बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एडमिट स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स पर। हम बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ रहे हैं, कोर्स है हमारा नेचुरल साइंसेज वन, यानी पहले सेमेस्टर में हमने नेचुरल साइंसेज वन में बायोलॉजिकल साइंसेज में पढ़ना है वैक्सीन। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन की डेफिनेशन, और उसके बाद इम्यूनाइजेशन क्या है, फिर वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन जो पैदा कर ली गई हैं कुछ डिजीज़ के लिए, कुछ बीमारियों के लिए। इन पर हमने तीन एग्जांपल्स पर बात करनी है, मीजल्स, मम्स और रेबीज पर। इसी तरह सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन आर द सस्पेंशन ऑफ किल्ड आर द एटेन्यूएटेड जर्म्स, यानी वैक्सीन असल में हम डिफाइन करते हैं जो जरासीम बीमारी पैदा करता है उसी ही जरासीम को अगर कमजोर कर दिया जाए कि वो बीमारी पैदा करने की सलाहियत खो दे, लेकिन हमारे ब्लड के व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर दे। इस तरह से जो कमजोर जरासीम पैदा किए जाते हैं इनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड वैक्सीनेशन। यानी ये तो आमतौर पर बीमारी पैदा करने की सलाहियत खो देते हैं। अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन का आगाज एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था जिसने शुरू किया था, और तकरीबन 17वीं सदी के अंदर ये काम उसने किया। और वैक्सीनेशन सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की एक डिजीज के लिए पैदा की गई थी। तो अब इसके बाद वो कहता है कि वैक्सीनेशन से मुराद क्या हुआ, ऐसे कमजोर या हम इनको कहते हैं मुर्दा जरासीम जो के जिस्म में बीमारी पैदा करने की सलाहियत न रखे, कैन नॉट कॉज डिजीज, यानी के इनमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत खत्म कर दी जाती है। लिहाजा ऐसे कमजोर जरासीमों का जो मिक्सचर, जो सॉल्यूशन होगा, इसको हम नाम देंगे इट इज कॉल्ड वैक्सीन। अब कहते हैं वैक्सीन का बॉडी में दाखिल करना इनोकुलेशन कहते हैं, इनोकुलेशन ऑफ वीक जर्म्स, यानी जरासीमों को हम जर्म्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनोकुलेशन ऑफ वीक जर्म्स इन बॉडी इट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, यानी कमजोर जरासीमों का बॉडी में दाखिल होना यह वैक्सीनेशन कहलाता है। अब इसके बाद आगे आ जाता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से मुराद ये है कि इम्यून सिस्टम का मुतहर्रिक होना, यानी इम्यूनिटी पैदा होना। इम्यूनिटी हम कहते हैं एक्चुअल में WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुतहर्रिक हो जाना। यानी ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, WBCs हम इनको कहते हैं, ये उन कमजोर जरासीमों को पकड़ कर उनको किल कर देते हैं, और उनको किल करने के लिए एक खास प्रोटीन पैदा करते हैं जिनको हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। यानी हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन से मुराद क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के नतीजे में जो एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, या इसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो ताकतवर जरासीम को तो किल नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उस जरासीम को किसी तरीके से मुर्दा या कमजोर कर दें, एटेन्यूएटेड कर दें, यानी कमजोर कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में व्हाइट ब्लड सेल्स मुतहर्रिक हो जाते हैं, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स उन जरासीमों को मारने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। एंटीबॉडीज खास तरह की प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स हमारे जिस्म में साल हर साल तक और लाइफ टाइम के अरसे तक रहती है, और पूरी जिंदगी हमारी बॉडी को उन जरासीमों के हमले से बचाती है। इस तरह से हम कहते हैं वैक्सीनेशन के नतीजे में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और याद रखना चाहिए